हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं लेथायरस सेटाइवस की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्पेशल एक्शन स्पाइनल कार्ड पे है। स्पाइनल कार्ड अफेक्ट हो जाती है, इस वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। उन्हीं को समझते हैं कि सिम्टम्स की ओरिजिन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और अंत में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे लिया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। वीडियो अंत तक देखिए और बात पसंद आएगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो लेथायरस सेटाइवस है, एक मटर की वैरायटी होती है जिसको जंगली मटर बोल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी उसमें फलियां लगती हैं और उसके अंदर 2 से 3 सीड रहते हैं। लेथायरस सेटाइवस यानी एक तो बड़ी वाली मटर होती है, उसी का जस्ट छोटी बहन समझ लीजिए, छोटी मटर। उसका बॉटनिकल नेम है लेथायरस सेटाइवस। अफेक्ट करती है स्पाइनल कार्ड को। तो देखिए, जैसे ब्रेन है ये इस तरह से, और ब्रेन से जुड़ा हुआ क्या है, स्पाइनल कार्ड है। तो देखिए, जो ब्रेन है उसका कनेक्शन पूरी बॉडी से स्पाइनल कार्ड के थ्रू होता है, और इसके नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे जो इस तरह से जो पैर लगे हैं उस तरह से यहाँ पे। तो देखिए, जो ब्रेन है अपना इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी को स्पाइनल कार्ड के थ्रू देता है, और फिर इंफॉर्मेशन रिसीव करके ले भी जाता है। यूं समझ लीजिए कि मीडिएटर है, यानी पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन का इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी तक ले जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग जिनको कभी बीमारी हुई थी, यानी कोई बड़ी बीमारी हुई थी, जैसे फ्रिक्वेंट रिपीटेशन हुआ था, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, इस तरह से कोई एक बड़ी बीमारी हुई थी, बड़ी इन द सेंस की जो काफी दिनों तक उनको अफेक्ट की थी, उसके बाद कमजोरी आ गई और कमजोरी को ज्यादा ही कमजोरी आ गई, अत्यधिक कमजोरी आ गई, उस कमजोरी के बाद ही स्पाइनल कार्ड अफेक्ट हो गया। और स्पाइनल कार्ड को जोड़ने के लिए ढेर सारी नर्व्स पाई जाती हैं, और उसी में स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स इंफॉर्मेशन ले जाती हैं स्पाइनल कार्ड तक, फिर वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो देखिए, कोई बीमारी हुई थी, काफी दिनों तक झेला था आपने, उसके बाद कमजोरी, अत्यधिक कमजोरी आ गई, और उस वजह से स्पाइनल कार्ड अफेक्ट हो गया। और स्पाइनल कार्ड अफेक्ट होने के पीछे का जो रीजन क्या है कि जो नर्व्स होती हैं वो कमजोर हो गई, और अगर नर्व्स कमजोर हो गई तो किसी बॉडी की वीकनेस या फिर उसकी जो अबनॉर्मलिटी है वो ब्रेन को पता नहीं चलेगी या कमतर पता चलेगी। तो अगर ब्रेन को इंफॉर्मेशन कम पता चला, वीक सिग्नल गया, तो वहां से जो इम्पल्स आएगा उस मटेरियल को बनाने के लिए, वो भी इम्पल्स वीकर कैटेगरी का होगा, तो इस वजह से रिपेयर नहीं हो पाएगा। देखा गया है कि काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद जब शरीर कमजोर हो जाती है तो उसको रिगेन करना पड़ता है, रिगेन कर लेती है, कुछ लोगों में नहीं कर पाती है। तो इनका जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी जो स्पाइनल कार्ड से नीचे वाला जो दोनों पैर होता है, पैर में एक ग्लूटियल मसल्स पाई जाती है, जो पीछे वाला पोर्शन है, जैसे आप बैठते हैं कहीं पे जमीन पर, टेबल पर या फिर चेयर पर, तो जो पोर्शन नीचे वाला है जो टच कर रहा है, या फिर बाइक चलाते समय जो पोर्शन सीट पर है, और फिर नीचे वाला पोर्शन जो कि बॉडी को टच किए हुए है बाइक की, उस पोर्शन को ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं। ग्लूटियल मसल्स वीक हो गई है। अब ग्लूटियल मसल्स जो है गेट को सपोर्ट करती है, गेट मतलब जब आप चलते फिरते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ लेता है इस तरह से। तो पीछे वाला पोर्शन, कमर के जस्ट पीछे वाला पोर्शन, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन को ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं, वहां भी वीकनेस आ गई है बीमारी लंबी चलने की वजह से। अब सिम्टम्स की अगर बात करें तो यही दो चीजें आप समझ लीजिए
कि ग्लूटियल मसल्स इमेसिएट कर गई हैं, वीकनेस आ गई है, कभी कोई बीमारी हुई थी उसके बाद से पेशेंट अपने को रिकवर नहीं कर पाया। तो देखिए लिखा है अफेक्ट द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करती है, यानी इसी को अफेक्ट कर दिया। तो बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, उतनी क्वालिटी का नहीं हो पा रहा है। तो स्पास्टिक गेट, स्पास्टिक गेट मतलब जो मसल्स हैं और जो नर्व सिस्टम है, जो तंत्रिका कोशिका है, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी जो मसल्स है उस पे कंट्रोल नहीं है नर्व्स का, तो नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो चलते समय होगा क्या कि पैर जमीन में लड़ जा रहा है कभी, या फिर दोनों घुटने आपस में टच कर जा रहे हैं। नॉर्मली चलते समय अगर आप स्वस्थ कंडीशन में है तो घुटने दोनों मिलते नहीं, और चलते समय आपस में उनका कोलिजन नहीं होता, आपस में टक्कर नहीं करते। तो ये पेशेंट इतना कमजोर हुआ कि चलते समय दोनों घुटने आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने लगते हैं, और बैठते समय एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रख पाता, जैसे लोग इस तरह से बैठ जाते हैं कुर्सी पर। तो स्पास्टिक गेट है, और नी नॉक अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वॉकिंग, चलते समय दोनों घुटने आपस में लड़ रहे हैं कमजोरी की वजह से, क्योंकि पीछे वाली जो मसल्स है ग्लूटियल मसल्स हो इमेसिएट कर गई है, कमजोर कर गई है, और ग्लूटियल मसल्स एंड लोअर लिम इमेसिएटेड, ग्लूटियल मसल और लोअर लिम इमेसिएट कर गए हैं, यानी पीछे वाला जो पोर्शन है वो बॉडी के स्ट्रेचर की तुलना में पहले डेवलप था लेकिन अब डेवलप नहीं है। और हील डू नॉट टच द ग्राउंड व्हेन वॉकिंग, चलते समय स्पास्टिसिटी की वजह से जो पैर है उसका पीछे वाला पोर्शन यानी जो हील है वो जमीन से उतना प्रॉपर तरीके से टच नहीं करता है, और कैन नॉट क्रॉस द लिंब व्हेन सिटिंग, जब बैठते हैं तो जैसे नॉर्मली लोग चेयर पर बैठते समय पैर एक पैर दूसरे पैर पर रख लेते हैं इस तरह से, तो इसको रखने में दिक्कत होती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये सब स्फेयर ऑफ एक्शन किसका है, लिथायरस सेटाइवस का। लिथायरस सेटाइवस मेडिसिन है, और खास बात ये सब जितनी भी बातें हमने बताया सब पेनलेस है, दर्द कम उत्तर होता है, बहुत कम नाम मात्र के कुछ भी नहीं होता, तो पेनलेस सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा है तो लिथायरस सेटाइवस से इन समस्याओं का समाधान संभव है, और किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा लिथायरस सेटाइवस, क्योंकि प्लांट ग्रुप की मेडिसिन है, तो इसको जब स्टार्ट करते हैं तो मदर टिंचर से स्टार्ट करते हैं। तो लिथायरस सेटाइवस, इसका क्यू लीजिए और 15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोलकर, इसको 15 दिन तक लीजिए। उसके बाद इसी लिथायरस सेटाइवस का 30 पावर ले लीजिए, इसको केवल 4 बूंद सुबह लीजिएगा, सुबह जीभ पर। इसको अगेन 15 दिनों तक लेना है, अगले 15 दिनों तक। इस तरह से एक महीने में समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होता तो उसकी और पोटेंसी बढ़ाइए, 30 को 200 कर दीजिए अगले 15 दिनों तक। इस तरह से मेडिसिन की पावर बढ़ाते जाएंगे और जो मसल्स की पावर है वो आती जाएगी, मसल्स का पोषण हो जाएगा, और जो वीकनेस है इमेसिएशन है वो सब कम होगा। तो ये तो वीकनेस की वजह से हुई, जो नॉर्मल एज वाले हैं, कम एज वाले हैं, ज्यादा एज वालों को जिनकी एज 60 प्लस हो गई है उनमें भी जो ग्लूटियल मसल्स है नेचुरली इमेसिएट कर जाती है। कुछ लोगों का
जल्दी कर जाता है, कुछ लोगों का धीरे धीरे करता है। तो जिनका भी इस तरह का गेट है, स्पास्टिक गेट, चलते समय घुटने आपस में लड़ रहे हैं, बेसिकली ओल्ड एज में चलते हैं, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं इस तरह से, तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से किसी दोस्त की फरमाइश पूरी हुई, और इसी तरीके की और फरमाइश हैं मेरे पास, नोट हैं, धीरे धीरे उस पर भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। कुछ लोग बार बार लिखते रहते हैं मेरा वीडियो नहीं आया, मेरा वीडियो नहीं, प्लीज आएगा, थोड़ा वेट करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात पसंद आई होगी यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि किसी का भी भला हो सकता है, हो जाए। थैंक यू।